Hi, my name is Sanjeev Jaiswal and you are watching IndiaGlitz.com. See, first of all, see, audition were going on last year in the month of Feb. So I just went to the office of RGV. So there was Harshal, he's the casting director of that film. So he just saw me and he told me come for audition. So I went to him for audition after 2-3 days. So on that date, it has not happened. So again, after 2-3 days, I went to him. He took my audition. He showed it to Ramu sir. So he saw it, and after 2-3 more look test, he finally selected me for this role. See, मुझे फर्स्ट डे से मालूम था कि मैं कसाब के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ, तो फिर मैं दूसरे कैरेक्टर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मुझसे दूसरा कैरेक्टर वो करवा मतलब मैं मुझे करने को मिलेगा. बट एज एन एक्टर कसाब एक कैरेक्टर बुरा हो सकता है, लोग उससे हेट करते, मैं भी करता हूँ. बट एज एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कसाब में जो शेड्स हैं, एज एन एक्टिंग के जितने शेड्स हैं वो शायद बहुत ज़्यादा हैं. तो एक्टर किस एज एन एक्टर मुझे एक चैलेंजिंग रोल लगा. मुझे लगा कि अगर मैं कसाब करता हूँ तो मुझे अपनी एक्टिंग टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. प्रिपरेशन के लिए इसी 3-4 सोर्सेस आ देर, हाँ, कि जैसे रोमिल रोड्रिग्यूज की बुक है कसाब दी फेस ऑफ टेरर. सेकंड इज सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक यूट्यूब एंड गूगल एंड ऑल. थर्ड इज स्क्रिप्ट एंड फोर्थ इज न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पेपर्स, एवरीथिंग मीडिया एंड नो डाउट डायरेक्टर एंड राइटर उनका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उनका भी एक विज़न होता है कैरेक्टर को लेकर के. तो इन सारे सोर्सेज को मिला करके मैंने अपने हिसाब से उस कैरेक्टर को समझा और उसके पॉइंट्स बनाए और उस हिसाब से मैं प्रोसीड किया हूँ. बिफोर शूटिंग आई मीन लोगों ने बहुत डराया कि यार यो नाना पाटेकर के साथ आप काम करने जा रहे हो और वो बहुत खतरनाक, ऐसे उन्होंने कहा कि बहुत खतरनाक है यार, ऐसा वैसा बोला. बट उनके साथ काम करने में बहुत मतलब बहुत ही अच्छा सब कुछ रहा. प्लस का इज़ वेरी सपोर्टिव. मेरा एक सीन चल रहा था जेल के अंदर इंटरोगेशन के बाद, वो डायलॉग मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे डायलॉग कैसे बोलना है मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा था. तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मुझे पोज कहाँ पे लेना है, रुकना कहाँ पे है, बोलना कहाँ पे है, वो सब कुछ उन्होंने मुझे बताया. तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी फ्रेंडशिप है, मुझे पसंद करते हैं अभी. आरजीवी सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मुझे तो पता नहीं, शुरू से जब फिल्म स्टार्ट हुई टिल एंड, मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ आरजीवी सर के साथ काम करूं. मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, सब कुछ फ्रेंडली था, काम की तरह हो रहा था, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से. सो मुझे बहुत फ्रेंडली नेचर है सर का और बहुत आराम से सारा काम हुआ. बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट एंड कैरेक्टर एंड ऑल मुझे लगा था फिल्म बहुत और अच्छी कर सकती है. बट इट्स ओके, अच्छा है, अभी भी कुछ बुरा नहीं है, सब बहुत अच्छा है. सो लोग एज एन एक्टर पसंद कर रहे हैं, एज अ फिल्म पसंद कर रहे हैं. सो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी अगर फिल्म अच्छी बनी है तो आप जीत गए उसी टाइम पे. तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों को काम बहुत पसंद आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट भी आई थिंक कि लोग मुझे ढूंढ रहे हैं. और किसी थिएटर सिनेमा हॉल में मैंने सुना है कि लोग मेरे कैरेक्टर के ऊपर जूते, चप्पल और वाटर बोतल्स फेंक रहे हैं. और सिनेमा हॉल का जो मालिक है उसने कहा कि प्लीज़ ये सिर्फ एक फिल्म है और वो एक कैरेक्टर है, आप ऐसा मत कीजिए. बट मेरे ख्याल से सबसे एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता है. बातचीत चल रही है, बट अभी देखते हैं क्या हो पाता है. कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा.